यूक्रेन की पश्चिमी सीमा तक पहुंच गए हैं। हम आपको बता दें कि यूक्रेन और पोलैंड बॉर्डर पर एक सैन्य अड्डे पर रूस ने 8 ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए हैं, तो ये बड़ी खबर। यानी अब एयरफोर्स को जिम्मेदारी जो है वो दे दी गई है। यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर के पास रूस ने ये बड़ा हमला किया है और लवीव से 30 किलोमीटर दूर ये बड़े धमाके किए हैं। श्वेता और गौरव सावंत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्वेता, 8 रूसी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, संदेश बड़ा साफ है, जो बात गौरव कह रहे थे पहले कि आखिरी दौर की बातचीत में अगर कुछ निकल जाता है तो ठीक, वरना युद्ध की विभीषिका शायद पूरी दुनिया देखेगी, एक खूबसूरत शहर को बर्बाद होते हुए हम सभी देखेंगे। नहीं, ये चिंताजनक बात है। बात सिर्फ कीव पर खतरे की नहीं है शुभांकर। देखिए, कीव की तो घेराबंदी अलग तरीके से हो रही है, पर लवीव जो कि पश्चिमी छोर पर था, लवीव यानी कि वो इलाका जहां पर पहले दिन के बाद किसी ने सायरन्स तक नहीं सुने थे एयर रेड के, वो पिछले 3 दिनों से इस तरह की रिपोर्ट्स वहां से आती रही। और उसके बाद जब धमाके हुए ना बीती रात, वहां के मंजर का बदलना समझिए कि जो लोग सुरक्षित रहना चाहते थे और यूक्रेन नहीं छोड़ना चाहते थे वो वहां पर रुक रहे थे। सारी एम्बेसीज जो यूक्रेन में रहना चाह रही थी, सरहदें नहीं छोड़ना चाह रही थी, वो लवीव में अपना ऑपरेशन उन्होंने शिफ्ट कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र वहां पर था और अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि अब लवीव से भी संयुक्त राष्ट्र के भी निकलने की बातें हो रही हैं कि वो वहां से निकलेंगे, उसकी तैयारियां हो चुकी हैं। समूचा यूक्रेन जो है वो अब युद्ध की जद में आ रहा है। इसके साथ पोलैंड से जो लगती हुई सीमा है, वहां से लवीव की लगभग अगर आप सड़क के रास्ते की बात कर लें तो मुश्किल से 2 घंटे की दूरी रहती है, बहुत ज्यादा दूरी है नहीं। तो वहां तक अगर इन रॉकेट्स का प्रहार जा रहा है, इन मिसाइलों का प्रहार जा रहा है, तो ये इसका सीधा मतलब ये हो गया कि अब केवल लोकलाइज्ड कैंपेन्स के तौर पर नहीं, बेलारूस और रूस की सीमाओं से आगे बढ़ते हुए और वो थ्रस्ट देते हुए कीव की तरफ बढ़ना ही मंशा नहीं है। लवीव पर अगर आपका आक्रमण होता है तो आप सीधे तौर पर वो पूरा सप्लाई लाइन काटना चाहते हैं, जहां से यहां की सेना को, यहां की मिलिशिया को और जो उपकरण है और हथियार है वो सप्लाई हो रहे हैं, और आम लोगों को जो बाकी चीजें जरूरत की होती है वो सप्लाई की जा रही है। क्योंकि यहां जो इस हिस्से से लगती हुई सीमाएं हैं वो उन देशों की हैं जो अभी तक शरणार्थियों को भी क्रॉस करके वहां पर बिना, चाहे उनके पास डॉक्यूमेंट्स हो या ना हो, उस ओर जाने दे रहे थे। उस इलाके में आक्रमण का सीधा मतलब है कि अब एस्केलेशन को उसके दूसरे स्तर पर ले जाया जा रहा है और अब चौक करने के प्रयास भी होंगे। जो यूक्रेन की सेना को अभी तक दिक्कतें नहीं आ रही थी, अब उसकी शुरुआत हो जाएगी। अभी तक वो सड़कें, वो रेलवे लाइन सब चल रहे थे, लेकिन इन प्रहारों के साथ ही अब पूरी तरीके से कट ऑफ हो सकता है यूक्रेन, वो सप्लाईज कट ऑफ हो सकते हैं, क्योंकि हवाई रास्ते से तो कुछ हो नहीं रहा है। ये बहुत आसान भाषा में श्वेता अपने सरल शब्दों में दर्शकों को समझाया, हमने आपकी लवीव से रिपोर्ट भी देखी थी। लेकिन गौरव, ये तमाम बातें जो श्वेता ने कही कि पूरी सप्लाई लाइन काट दी जाएगी, हमने देखा कई शहरों में मेयर बदल दिए गए, आकीव का जिक्र बार बार हम कर रहे हैं, अब आखिरी दौर की बातचीत है, क्या जेलेंस्की ये समझ रहे हैं कि सारे शहर बर्बाद हो रहे हैं, कई जगहों पर मेयर चेंज कर दिए जा रहे हैं, यानी अंदर खाने से भड़काने की कोशिश भी है, जासूसों का जिक्र हो रहा है, कितनी अहमियत रखते हैं अगले कुछ घंटे इस युद्ध के दृष्टिकोण से? अगले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये जो आखिरी दौर की चर्चा की आप भी बात कर रहे हैं, अगर इसमें राष्ट्रपति जेलेंस्की के रुख में कोई नरमी आती है या जिस तरह के वो संदेश दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अच्छा चलिए हम नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम घुटनों के बल गिड़गिड़ाते नेटो में नहीं जाएंगे, लेकिन उनके पास हथियार तो नेटो से ही आ रहे हैं और लिविव का रास्ता रुक गया तो वो हथियार कहां से आएंगे। मेरी एक सेना के यहां अधिकारी से बात हुई थी और ये रिपोर्ट भी हमने आज तक पर फाइल की, जहां उन्होंने कहा कि हमको नेटो से चाहिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, हमें चाहिए जैवलिन, हमें चाहिए एनलॉज, हमको मिल क्या रही है स्टेन गन, हम क्या 9 मिलीमीटर की स्टेन गन से रूस की सेना का मुकाबला करेंगे? और ये यहां के देशों को सोचने की आवश्यकता भी है, जो पड़ोसी देश मदद की बात करते हैं पोलैंड जैसे, लेकिन अपने लड़ाकू विमान जर्मनी में खड़े करना चाहते हैं और यहां नहीं, तो ये संदेश क्या जाता है? ये वो कह रहे हैं कि हम पर एक बड़ा हमको वादा कुछ और किया गया
और जमीनी स्थिति कुछ और दिखाई गई, और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है यहाँ के लोगों के लिए कि अब वो कितने दिन और सामना कर पाएंगे इस विरोध का। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, जो सपोर्ट नेटो देशों से आ रहा था वो अब सीमित होता जा रहा है। लेविव का रास्ता अगर रुक गया तो ये बहुत बड़ा प्रहार होगा इस देश के लिए, क्योंकि ईंधन भी वहीं से आ रहा है, उसी रास्ते से आ रहा है। अगर ईंधन के ट्रक नहीं आ पाए तो फिर गाड़ियां कैसे चलेंगी और देश कैसे चलेगा। बिल्कुल गौरव, और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कैसे जान बचाकर यूक्रेनी सेना के जवान भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये आगे आने वाले वक्त में जिसका जिक्र श्वेता भी कर रही थी, उसकी एक डर की तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं।